किशनगढ़ बास नगर पालिका का वर्ष 2021-22 के लिए बजट किया गया पारित। 27,97,00,000 का बजट ध्वनि मत से किया गया पारित। विधायक बीपेन खेरिया की उपस्थिति में 2021-22 का बजट पास किया गया है। आज दिनांक 6 फरवरी 2021 को नगर पालिका नवगठित मंडल की प्रथम बैठक आयोजित की गई और बैठक में 2021-22 का बजट सर्वसम्मति से पास किया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राम किशोर गोयल ने बताया कि शनिवार को दोपहर 12 बजे नगर पालिका सभागार में माननीय विधायक दीपचंद खेरिया की मौजूदगी में किशनगढ़ बास नगर पालिका की अध्यक्ष तारामणि सिंघल और उपाध्यक्ष साक्षी वशिष्ठ की उपस्थिति में पहली आम सभा की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान पूरे साल के लिए 27,97,00,000 रुपये का बजट पास किया गया है। किशनगढ़ बास नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा किशनगढ़ बास के 24 वार्डों के वार्ड पार्षद भी बजट पास के दौरान मौजूद रहे। बजट पास के दौरान विधायक दीपचंद खेरिया ने कहा कि नगर पालिका के सभी वार्ड पार्षदों ने सफाई व्यवस्था की शिकायत की है और कहा है कि कस्बे में सफाई व्यवस्था की समस्या बनी हुई है। मैं सभी वार्ड की जनता को पूर्ण भरोसा दिलाता हूं कि इस पर पूरी ईमानदारी से काम किया जाएगा। विधायक दीपचंद खेरिया ने आगे कहा कि पट्टा जारी करने की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए नगर पालिका अधिकारी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। विधायक दीपचंद खेरिया ने सभी वार्ड पार्षदों को अपने अपने वार्ड में विकास के कार्य को पूरी ईमानदारी से करने के लिए भी अपील की है। दोनों ने शांतिपूर्ण वातावरण रखा, जो मेरा भी विचार है सर, कार्य करने का रहता है, विकास कार्य पर मैं जिंदगी गाड़ दूँ। आगे भी मैं ये सोचता हूँ कि मैं ईमानदारी से काम चलाऊँ और जनता के हित में जो हो सकता है काम, इसलिए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपने कोई डिस्टर्ब नहीं, थोड़ा घना सजेशन जो देना था वो दिया है, उनके साथ रखेंगे ठीक रहेंगे। एक इंदिरा रसोई का सबों से कहा है कि आम आदमी को, ये नहीं कि पार्षदी दें, आम आदमी भी अगर ये जागरूक है तो 5 मिनट उसमें घूम के एक महीना भी कर लेना सुबह शाम का, तो वो सब ईमानदारी पर आ जाए। क्या किशनगढ़ बास से संजय बाबू के साथ सुनील बत्रा की रिपोर्ट। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।